तो आज के वीडियो में हम कंपेयर करने वाले हैं Realme GT Master Edition को Realme X7 Max के साथ। यहाँ पे ये दोनों ही डिवाइसेज जो है Realme की तरफ से आते हैं, तो अब दोनों में से कोई भी डिवाइस कंसीडर कर रही है, फ़ायदा Realme का ही है। अब जो है मैं सबसे पहले आपको जो है डिस्प्ले जो है कंपेयर करके बताता हूँ, उससे पहले जो है मैं आपको डिज़ाइन आपको दिखा देता हूँ। दोनों ही डिवाइस के जो डिज़ाइन है वो आइडेंटिकल है, हालांकि जो कैमरा मॉड्यूल्स है वो थोड़ा बहुत चेंज है, लोगों में डिज़ाइंस में आपको थोड़ा बहुत चेंज मिलता है। हालांकि यहाँ पर जो दोनों ही डिवाइसेज है उसके जो फीचर्स हैं वो एज इट इज़ हैं आपके, जैसे कि हेडफोन जैक दोनों में ही अवेलेबल है, टाइप सी पोर्ट दोनों में ही है, स्पीकर दोनों में ही है, लेकिन यहाँ पे डुअल स्टीरियो स्पीकर आपको सिर्फ X7 मैक्स में ही मिलता है। आगे मैं आपको साउंड भी सुनाऊंगा दोनों ही डिवाइसेस के। यहाँ पे दोनों के जो स्ट्रक्चर्स है वो सेम है और जो डिज़ाइन है वो हल्का फुल्का आपको चेंज मिलता है। अब जो है मैं सबसे पहले आपको दोनों के डिस्प्लेस की बात कर लूँ, तो यहाँ पे दोनों ही डिवाइसेस में आपको 6.43 इंच का 120 हर्ट्ज सुपर एमोलेड डिस्प्ले मिलता है, जो कि सेम जो है रेशियो के साथ आता है, और दोनों में ही आपको सेम कैमरा मॉड्यूल मिलता है लेफ्ट हैंड साइड में। अब दोनों डिवाइसेस रियलमी के हैं तो यूआई तो दोनों में सेम ही आएगा, एंड्रॉयड 11 रियलमी यूआई 2.0, और यहाँ पे दोनों ही वेरिएंट आपको जो है 6 GB 128 GB मिलते हैं बेस वेरिएंट में, और 8 GB 128 GB भी मिलता है। तो मेरे पास जो वेरिएंट है वो 8 GB 128 GB वाला है, और इसमें आप देख सकते हो कितना रैम एंड रोम जो है आपको फ्री मिलता है। अब जो है मैं आपको बता दूँ कि दोनों डिवाइसेज जो है डिफरेंट प्रोसेसर्स के साथ आते हैं। यहाँ पे अगर मैं GT Master Edition की बात करता हूँ, ये आता है स्नैपड्रैगन 778G के साथ, और वहीं बात करता हूँ Realme X7 Max की तो ये आता है Dimensity 1200 के साथ। अब जो है मैं थोड़ा बहुत आपको कैमरास की बात कर लेता हूँ, तो दोनों के कैमरास आइडेंटिकल है, सेम है। 64 MP का प्राइमरी सेंसर आपको मिलता है, 8 MP का आपको अल्ट्रा वाइड सेंसर मिल जाता है, 2 MP का आपको जो है यहाँ पे मैक्रो सेंसर दिया गया है। तो दोनों के जो सेंसर है वो लगभग सेम है, और फ्रंट कैमरा की बात कर लेता हूँ, 32 MP का आपको फ्रंट कैमरा मिलता है। यहाँ पे जो है सोनी का सेंसर आपको मिल जाता है GT Master Edition में। एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ कि 4K 60 FPS का ऑप्शन सिर्फ आपको X7 Max में मिलता है रियर कैमरा में, और फ्रंट कैमरा में आपको दोनों में ही 1080p 30 FPS का ऑप्शन मिलता है। GT Master Edition में ये चीज़ जो है नहीं मिलती कि रियर कैमरा में आपको 60 FPS का ऑप्शन नहीं मिलता 4K के साथ। यहाँ पे अगर आप वीडियोस वगैरह रिकॉर्ड करते हैं तो सब चीज़ें आपको एज इट इज़ मिलती है, लेकिन X7 Max में आपको थोड़े बहुत फीचर्स वीडियोस में मिल जाते हैं एक्स्ट्रा, जैसे कि फिल्टर्स वगैरह, और वहीं GT Master Edition में आपको कैमरा में एक्स्ट्रा फीचर्स मिलते हैं, जैसे कि स्ट्रीट मोड मिलता है, और ऐसे ही जो है मीन्स फीचर्स ऐड किए गए हैं GT Master Edition में। नेक्स्ट चीज़ मैं आपको बता दूँ कि दोनों ही डिवाइसेस जो है बिग चार्जिंग और बिग बैटरी के साथ आते हैं। यहाँ पे 4300 mAh बैटरी मिलती है आपको GT Master Edition में, 4500 mAh मिलती है आपको X7 Max में। यहाँ पे चार्जिंग में जो है डिफरेंस मिलता है आपको, 65 W चार्जर मिलता है आपको GT Master Edition के साथ, और 50 W का चार्जर मिलता है आपको Realme X7 Max के साथ। तो यहाँ पे जो है दोनों में थोड़े बहुत डिफरेंस है चार्जिंग को लेकर और बैटरी को लेकर, तो जो प्रेफरेंस आपकी होगी वह आप उस हिसाब से दोनों में से एक पिक कर सकते हैं। अब जो है मैं आपको दोनों का स्पीकर टेस्ट सुना देता हूँ, और उससे पहले मैं आपको बता दूँ कि GT Master Edition जो है आपका सिंगल स्पीकर के साथ आता है, और X7 Max डुअल स्टीरियो स्पीकर के साथ। तो ये जो है स्टीरियो स्पीकर का आप जो है साउंड सुन सकते हैं, तो X7 Max जो है आपका जो डॉल्बी सपोर्ट करता है और डुअल स्टीरियो स्पीकर्स भी, और GT Master Edition में आपको सिंगल स्पीकर मिलता है जो कि आपको बॉटम साइड में मिलता है। तो यहाँ पे आपको डुअल स्टीरियो इफेक्ट तो नहीं मिलेगा, लेकिन जो आउटपुट है वो ठीक ठाक है। साथ ही साथ यहाँ पे आपको सिंगल स्पीकर के साथ डॉल्बी का सपोर्ट भी नहीं मिलता Realme GT Master Edition में। तो एक बार मैं आपको दोनों के कलर वेरिएंट्स दिखा देता हूँ। यहाँ पे GT Master Edition में दो कलर्स मिलते हैं आपको, और एक जो है वेगर ग्रे कलर है, और दूसरा जो है वो है लूना वाइट कलर। तो दोनों के कलर्स आप देख सकते हो, और मैं अपने पर्सनल प्रेफरेंस से बोलूँ तो ग्रे कलर आपको इन हैंड फील में काफ़ी अच्छा लगेगा। तो अगर मैंने एक दो जनों को दिखाए भी हैं ये डिवाइस, तो ग्रे कलर काफ़ी बढ़िया सबको लगा है। यहाँ पे जो स्पेशल एडिशन है वो ग्रे कलर ही है, और बाकी जो मैट टेक्सचर अगर आपको चाहिए, सिंपल डिसेंट फ़ोन चाहिए, तो आप वाइट कलर के लिए जा सकते हैं। तो बस इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर से कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लेना, और जिससे कि आगे आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहेगी। इस वीडियो में इतना ही, मैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।